नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी। सीतामढ़ी में आए तेज आंधी पानी और ओले ने बड़ी भयानक तबाही मची है। दर्जनों गांव से गरीबों का आसियाना छिन गया। सीतामढ़ी के डुमरा, रुन्नी सैदपुर, बेलसंड, नानपुर और बोखला में तबाही मची है। कमोबेश सभी प्रखंडों में आंधी पानी ने कहर बरपाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं इसका प्रभाव पड़ा है तो वो है बोखरा प्रखंड क्षेत्र के बुधनगरा और पतनुक्का गांव के अंदर। कई सौ घरों को बर्बाद किया है। आलम यह है कि ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ये लोग गंभीर रूप से घायल है। क्षेत्र में बिजली पूरी तरीके से बाधित है। जगह जगह पर बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया है। वहीं नानपुर की बात करें तो उस प्रखंड क्षेत्र के मोहिनी और गौरी गांव में भी कई घर का छप्पर उड़ गया है और बारिश ने घर में रखा सामान को और अनाज को बर्बाद कर दिया। इस बीच बोखरा प्रखंड के पतनुक्का गाँव के अंदर सर्वे करने गए हुए कर्मचारियों के साथ हाथापाई और मारपीट की गई। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार का सूद लेने अब तक प्रशासन कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच सका है। पीड़ित परिवार सरकार पर मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। नानपुर प्रखंड क्षेत्र के मोहिनी पंचायत के इस्लामपुर में मोहम्मद जूही का मकान पिछले साल भी आंधी तूफान में बर्बाद कर दिया गया था। उसका मुआवजा भी नहीं मिला। फिर एक बार से उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं बोखरा प्रखंड क्षेत्र के बुधनगरा गांव में जायजा लेने के लिए पहुंचे समाज सेवी एहसान उल हक खुर्रम ने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा नहीं है। बेहद दुख की बात है ये। इतने लोग का घर बेघर हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी इन लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचा सके और वो लोग बेखबर है। उन्होंने कहा कि मैं सीतामढ़ी जिला अधिकारी से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके इन लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचावे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा आई है, उसके बावजूद अगर प्रखंड प्रशासन सोया हुआ है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर इन लोगों का ऐसा ही रवैया रहा तो फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। कि अगले साल 13 जून को जो आंधी हुई थी उसमें भी इसका घर गरीब का जो है पूरा उलट गया था, इन्वेस्टर वगैरह, जिसका आवेदन हम लोगों ने मोहनी पंचायत से 71 आदमी का नाम लिस्ट बना करके दिए, जिसका क्षतिपूर्ति आज तक नहीं मिला। लोग गरीब गुड़वा जो है सो कर्जा आम लेकर के अपना मरम्मत करके किसी तरह जीवन बसर कर रहा है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि आज रात की आंधी में जो है सो फिर पुनः इसका घर जो है सो 2-3 प्लॉट के बाहर जा करके फेंका गया है। जो रहने के लिए बेसहारा लोग हैं, बहुत परेशान हैं, बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, उसमें कोई कमाने वाला घर में है नहीं। एक है जो परदेश है। अनीता देवी, अब तो आप कुछ भी नहीं बचा आपके घर में, क्या करेंगे ऐसे में? ऊपर से देगा तो बनाएंगे तो रहेंगे। कोई आया था सरकार की तरफ से, कोई प्रशासन उशासन कोई आया है? अभी कोनो नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। ऐसा हुआ शाम में आंधी आया रात में, तो ये दबी हुई थी, मेरा घर हुआ ये बाजू में, तो हम लोग देखे कि बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है, तो भागते हुए आए तो देखे ये दबी हुई अंदर चिल्ला रही थी, तो हमने देखा कि कोई इसके अंदर दबा हुआ तो नहीं है, फिर हम लोगों ने निकाला इनको। गिर गए चाटी फड़की सब, पूरा हमारे घर सब टूट फाट गए, गिर गए। 12,000 का नुकसान है और अनाज है से 8 क्विंटल मतलब भींगी है, और बुझिए कि 2-3 क्विंटल दाना है, वो दाल दलिहन है से सब खत्म हो गया है। रहने का साधन नहीं है, कहाँ रहेंगे? अलमापी छोटा बच्चा है, कहाँ रहेंगे? पूरा घर सब उजड़ गया। चोट वोट नहीं लगा? नहीं, लड़की का चोट लगा है कमर में, इसमें छिला गया पूरा। और क्या क्या नुकसान? बकरी के गोर टूट गया, हल्की फुल्की माने बूंदे पड़ने लगी, तेज होती गई बारिश और पत्थर भी तेज होने लगा। आंधी इतनी आंधी आने लगी कि आदमी खुद को संभाल नहीं पाया, अपने बाल बच्चों को संभालने के लिए परेशान हो गया कि उनको खबर नहीं कि हमारे बाल बच्चे हैं कहां पर। मतलब पूरा टूट टूट करके जैसे मतलब ईंटा पत्थर सब जैसे गिरना शुरू हो गया, पत्थर भी ऊपर से गिर रहा था, पूरा कपड़ा गीला हो गया। और उसके बाद जो है सो मतलब लड़की जो सो हमारी नीचे आई तो उसका पूरा पाँव फट गया, उसके ईंटे की नीचे दबी हुई थी, उसको निकाल करके नीचे लाए तो जो सो पूरा खून से तल पत्थर हो गया। सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि जैसो मतलब कुछ मदद हो, हम लोग गरीब आदमी हैं, एक एक पैसा जुटा करके जैसो मकान बनाए। लड़की की शादी थी, शादी का भी सारा सामान था, वो सब बर्बाद हो गया। अच्छा, अभी जैसो यही जो 13 तारीख की शादी थी। क्या नाम हुआ आपका? सहवाल। ये पांव कैसे कटा? सीढ़ी से करने का। कहाँ थी जब आंधी आया था? छत पे था। छत पे सो रही थी आप, उतरने के वक्त हुआ ना जी। क्या गिर गया था इस पे? ईंटा। इस वक्त
आप सब मीडिया के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोग हम लोग के बुलाने पर इस बुखड़ा प्रखंड में दिन के 12 बजे से हमारे साथ घूम रहे हैं। जो रात में जिस तरीके से सुनामी की तरह आंधी आई और जिस तरीके से सुनामी आई और जिसमें लोगों के नुकसानात हैं, आप तमाम लोग उसको देख रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं। यहाँ जो बोखड़ा प्रखंड के बुधनगड़ा गांव में इस वक्त आप मेरे साथ खड़े हैं, मसौथा, बुधनगड़ा और भी जो इलाके के बहुत सारे गांव हैं जहाँ छिटपुट है, लेकिन बुधनगड़ा में सबसे ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। पीड़ित परिवार का की शिकायत है कि सरकार का आदमी या यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोग की सूद लेने नहीं आया। ये समाज के लिए बहुत शर्मसार करने वाला विषय और बहुत शर्मनाक कि इतनी बड़ी घटना हो रही है। ब्लॉक यहाँ से चंद किलोमीटर पे है और जिला हेडक्वार्टर हो या सब डिवीज़न हो यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से कोई भी आलाकमान अफसर हो या जनता के द्वारा जीते गए प्रतिनिधि हो, वो इन लोग का हालचाल जानने नहीं आए। ये हम लोगों के लिए और यहाँ के तमाम लोग इस दुख से बहुत ज़्यादा दुख में है और नाराज़गी भी है। और हम आप तमाम मीडिया के लोगों से, प्रशासन के उन तमाम लोगों तक इन लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के की जो क्षति हुई उसकी जल्द से जल्द पूर्ति हो। प्रशासन यहाँ आपदा की टीम भेजे, यहाँ निम्नलिखित जो लोग जिनके डेटा मेरे पास खुद मौजूद हैं, हम यहाँ आके सुबह से डेटा बनवाया है कि यहाँ कितने लोगों की क्षति हुई है, और वो क्षति जितने लोगों की हुई है वो BDO को, SDO को और जिला प्रशासन को हम जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और हम ये चाहेंगे कि उन तमाम लोगों को मुआवजे की सकल में पैसा मिले, उनकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो, उनके घर को बनवाया जाए, फिर से उनके घर को मरम्मत हो, ताकि अब आप ये जान लीजिए कि अब रात में बरसात का मौसम चल रहा है, फिर से अगर आंधी आती है, बरसात आता है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके घरों में खाना बनाने की जगह नहीं है, इनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे घरों में गए हैं जहां वो पानी नहीं पिला सकते हैं हमको, खड़े खड़े उनके घर को देखा है, मुआयना किया है, उनके घर में इस तरह के सूरत हाल हैं कि वो खुद पानी नहीं पी सकते हैं तो हमको कहां से पिलाएंगे। और ये बहुत अफसोसनाक, ये हम लोग के लिए शर्मिंदगी वाली बात है, और हम जिला प्रशासन को ये चेता देना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि अभी 6 बज गया, आप एक पन्नी का इंतज़ाम नहीं कर सके। यहाँ के जो लोग जख्मी हुए हैं उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की गई, उनकी सूदी लेने कोई नहीं आया, ये शर्मनाक है। आप लोग चेत जाइए, नहीं तो आप जितने मौज में अपने घरों में रह रहे हैं और ये लोग परेशान हैं, आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन सीतामढ़ी में शुरू होगा और ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और हम आपसे फिर ये जिला प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री से ये बात बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो आपदा आई है उस आपदा में जल्द से जल्द आपदा की टीम को लगाया जाए और यहाँ के लोगों को फिर से बसाया जाए, इनके उजड़े हुए घर को फिर से बसाया जाए। तो आप एक बात जान लीजिए कि लोग कितनी मेहनत से, मशक्क़त से अपने घर को बनाते हैं, अपने घर को चलाते हैं, और उनके पास वो कर्ज लेकर लोगों से, बैंक से कर्ज लेकर, बहुत लोगों ने बताया कि वो बैंक से कर्ज लेकर अपना छत बनाया था और छत उनका उड़ गया। तो सरकार से आग्रह है, निवेदन है और प्रशासन से खास तौर से कि जल्द से आपदा प्रबंधन की टीम तो वह पहुंचती जब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे मुस्तैद होते, वो आते, यहाँ से लेकर DM तक को फ़ोन किया जाता, बताया जाता कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ की जो सूरत हाल है उसको दबाया जा रहा है, इस बात को प्रशासन तक या सरकार तक हम लोग पहुँचाएंगे, उनको पहुँचाने नहीं दिया जा रहा है। ये एक शर्मनाक है और ये बहुत निंदनीय है, अफसोसनाक है।